सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एकेडमी चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी विदिशा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओरन मीना। कल हमने विश्व के भूगोल पर एक पहली क्लास ली थी, जिसमें हमने विश्व की प्रमुख संसद उन्हें पढ़ा था, ठीक है। और जो मैं आपको पढ़ाता जाऊं वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप आराम से उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आज का टॉपिक है हमारा विभिन्न देश और उनकी मुद्राएं, ठीक है। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? विभिन्न देश और उनकी मुद्राएं। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा IMP है, ठीक है, वेरी मोस्ट IMP है। इस पर विशेष ध्यान रखें, इसको भी याद करना है। जैसे मैं आपको आज पढ़ाता हूँ, आप आज ही इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। विभिन्न देश और उनकी मुद्राएं, जैसे कि हमें पता है रुपया, भारत में रुपया चलता है, भारत में रुपया चलता है। इसके अलावा, भारत के अलावा भी ऐसे देश हैं जिनमें रुपया चलता है, ठीक है। तो हमें भारत के अलावा वो देश भी याद होना चाहिए जहाँ पर रुपया चलता है। जैसे कि भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, इंडिया जैसा नाम इंडोनेशिया, ठीक है, समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, ये समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, समुद्री पड़ोसी देश मालदीव, मॉरिशस और सीशेल्स, ठीक है। आपको इतने नाम याद रखना है जहाँ पर भारत के जैसा ही रुपया चलता है। सबका अलग अलग होता है, मगर नाम रुपया सबका, ठीक है, रुपया भी बोला जाता है, रुपया भी बोला जाता है, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना याद रखना है कि भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स में भी रुपया चलता है। कभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाए कि मॉरिशस की करेंसी या सेशल्स की करेंसी या मालदीव की करेंसी या श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो आप आसानी से बता सकें कि यहाँ पर जो करेंसी है वहाँ की रुपया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रियाल। रियाल करेंसी, इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप कुछ देश हैं जो एक साथ आपको याद हो जाएंगे ट्रिक से, ठीक है। आपको याद रखना है OSIVQ, क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? OSIVQ, ओ का मतलब है ओमान, क्या है? ओ का मतलब है ओमान, या का मतलब है यमन, सा का मतलब है सऊदी अरब, आई का मतलब है ईरान, ठीक है स्टूडेंट्स। आई का मतलब क्या है? ईरान। बी का मतलब है ब्राज़ील, ब्राज़ील में भी रियाल चलता है, ठीक है। क्यू का मतलब है कतर, ठीक है। आप ऐसे इसको पूरा ट्रिक से याद रख सकते हैं। रियाल जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो इतने देशों में चलती है, और भी देश चलते हैं, मगर हमें ये इम्पोर्टेंट्स पहले याद रखना है, ठीक है। OSIVQ, ओ ओमान, यमन, सऊदी अरब, आई ईरान, बी ब्राज़ील, क्यू कतर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दीनार। ये बहुत सभी जो करेंसी है मैं बता रहा हूँ, सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर दीनार, इसे भी हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, AVIT JK LX, ठीक है, AVIT JK LX। आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप की ट्रिक हम भूल जाएंगे, कुछ नहीं, जब हम एक दो बार तीन बार पढ़ते हैं तो ये नॉर्मली याद हो जाती हैं, और ट्रिक से बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम तक हमें याद बना रहता है, ठीक है, और एक साथ ही ये सब भी याद बना रहेगा आपको, AVIT JK LX, ठीक है। तो ए का मतलब है अल्जीरिया, क्या है? अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। इसके बाद बी का मतलब है बहरीन, ठीक है, बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बहरीन। इसके बाद आई, यहाँ पर हमने आई देखा था, ये रियाल में जो रियाल जो करेंसी चलती है, आई वाली जो ट्रिक बताई है मैंने, इसमें ईरान है, और दीनार में इराक है, क्या है स्टूडेंट्स? इराक, आई से इराक, टी से ट्यूनेशिया, ये भी अफ्रीकन कंट्री है, ट्यूनेशिया, जॉर्डन, जॉर्डन एशिया में ही है,
के कुवैत, एल लीबिया, एस सर्बिया, ठीक है, एस सर्बिया। तो ये मुद्राएं जो हैं आपको याद रखना है ट्रिक से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे पाउंड। आप सबने सुना होगा पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की जो करेंसी है, ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड है, इसको पूरा बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पाउंड स्टर्लिंग। इसकी भी एक ट्रिक है, आपको बस इतना याद रखना है बी सेल्स। क्या याद रखना है? बी सेल्स, ठीक है, इतना याद रखना है। बी मतलब ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। ई मतलब इजिप्त, ई मतलब क्या स्टूडेंट्स? इजिप्त, ई मतलब इजिप्त। इजिप्त जो है वर्तमान में मिस्र देश को बोला जाता है, ठीक है, मिस्र जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा, ठीक है। इसको पहले इजिप्त के नाम से भी जाना जाता है, इसको इजिप्त और वर्तमान में इसको मिस्र बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सी, सी साइप्रस, ठीक है, एल लेबनान और एस सीरिया। सीरिया देश का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सभी देशों में चलता पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग। आप अलग अलग याद करेंगे तो अलग अलग आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं जो सर्व प्रचलित मुद्रा है, फेमस मुद्रा है, डॉलर को तो सभी लोग जानते हैं। जैसे कि डॉलर जो है ये बहुत सारे देशों में चलता है, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स देश जो हैं जो हमें याद रखना है वो आपको एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। डॉलर, ठीक है, डॉलर, इसकी एक ट्रिक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जिना सिंह। क्या नाम उसका? जिना सिंह। लाइक फना, इतना याद रखना, ए पे ज़रूर स्क्वायर है, मतलब ए से दो नाम है। तो आपको डॉलर में क्या याद रखना है, ठीक है, जिना सिंह लाइक फना। जी से है जिम्बाब्वे। कभी कभी नॉर्मली यदि पूछ लिया जाए कि जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है तो हम नॉर्मली नहीं बता सकते हैं जब तक कि हमें पता ना हो, ठीक है। इसलिए आपको ये पूरा ट्रिक से याद रखना है, डॉलर जो है, डॉलर की ट्रिक है जिना सिंह लाइक फना। जी से है जिम्बाब्वे, ना से है नामीबिया, सी से है सिंगापुर, हो से है हांगकांग। हांगकांग एक स्वतंत्र देश नहीं है बट इसकी अलग करेंसी है, चाइना इसको अपना मानता है बट यहाँ अलग करेंसी चलती है डॉलर, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, हांगकांग की जो करेंसी है वो चाइना की करेंसी नहीं है, दोनों देशों की करेंसियाँ अलग हैं, ठीक है। हांगकांग की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है डॉलर। इसके बाद ला, ला से है लाइबेरिया, ई से है इक्वेडोर। ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिका में है इक्वेडोर, ठीक है। केस का से है कनाडा, कनाडा उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका से उत्तर में, ठीक है, कनाडा जो कि उत्तरी ध्रुव के पास है, ठीक है। इसके बाद एफ, एफ से है फिजी। क्या है एफ से? फिजी। एन से क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की करेंसी भी क्या है? डॉलर। इसके बाद ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से दो हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक अमेरिका, सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यहाँ दो देशों में भी डॉलर चलता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और करेंसी है, शायद आपने नाम ना सुना हो या सुना हो, ठीक है, पीसो। पीसो की भी आपको ट्रिक से याद करना है। कुछ जो ज़्यादा करेंसियाँ थी उनको मैंने एक ट्रिक में इकट्ठा ट्रिक से बना दिया है जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके, आप उसको आसानी से जल्दी याद कर सकें और क्विकली वो जब भी आप पढ़ें वो आपको याद आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने इनकी ट्रिक बना दी हैं, पीसो, मैडो, कोक, आउच। मे से है मैक्सिको, डो से है डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है, डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है। को से है कोलंबिया, ये भी कोलंबिया। आधे का से है क्यूबा, ठीक है। आ से है अर्जेंटीना, ये भी लैटिन अमेरिकन है, दक्षिण अमेरिकन कंट्री है। इसके बाद ऊ, ऊ मतलब उरुग्वे और चा मतलब चिली। ये सभी देश जो हैं यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसको पीसो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सभी देशों में जो करेंसी है उसको पीसो कहते हैं, पीसो।
मेडो कोक आउच, ठीक है, मेडो कोक आउच, मेडो कोक आउच। मे मतलब मैक्सिको, डो मतलब डोमिनिक रिपब्लिक, को मतलब कोलंबिया, आदि का से क्यूबा, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चा चिली, ठीक है, ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे एक देश और है फिलीपींस, वहाँ पे भी पीसो चलती है। कौन सा देश है स्टूडेंट? फिलीपींस, फिलीपींस देश में भी ये पीसो ही चलती है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की करेंसी इजीली याद कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान की उसी के नाम से है अफ़गानी, क्या है अफ़गानी। ठीक है, यहाँ की करेंसी का नाम है अफ़गानी, अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफ़गानी। इसके बाद रूस की करेंसी भी कई बार एग्ज़ाम में आई है, विशेष तौर पर याद रखें रूस की जो करेंसी है ये भी ईज़िली याद हो जाएगी, वैसे ही रूस के नाम जैसी है रूबल, क्या है स्टूडेंट्स रूबल, रूस की करेंसी का नाम है रूबल। इसके बाद हम बात भूटान, भूटान की करेंसी, भूटान की करेंसी है गुल ट्रम, क्या है भूटान की करेंसी गुल ट्रम, गुल ट्रम, भूटान की करेंसी का नाम क्या है गुल ट्रम। इसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार, म्यांमार की जो करेंसी है मुद्रा है वो है क्यात, क्या है क्यात, क्यात। इसके बाद मलेशिया, मलेशिया देश की जो करेंसी है इसका नाम है रिंग रिट, क्या है इसका नाम रिंग रिट, रिंग रिंग रिट, ठीक है, इसको रिंग रित भी बोलते हैं, इसको रिंग रिट भी बोलते हैं। ठीक है, मलेशिया की राजधानी का, सॉरी मलेशिया की करेंसी का नाम क्या है रिंग रिट। इसके बाद हम बात करते हैं थाईलैंड, थाईलैंड की जो करेंसी है मुद्रा है वो है बहात, बा बहातु, क्या है बहात। इसके बाद चीन, चीन की मुद्रा है युआन, ठीक है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है युआन, और एक है मैनमिन भी है, ठीक है, मैनमिन भी है युआन, युआन हमने पढ़ा था, युआन किसकी संसद का नाम है, युआन ताइवान की संसद का नाम है, और चाइना की करेंसी का नाम भी युआन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जापान, जापान की करेंसी है एन, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप विशेष तौर पे याद रखें क्या है एन। इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी सबको पता है, जिसको पता नहीं है वो याद रखेगा टका, ठीक है टका, बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है टका। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की स्टूडेंट्स सेम है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो एक देश के विभाजन से ही बने हैं। ठीक है, पहले इसको कोरिया बोलते थे, अब इसको जो चाइना से लगा हुआ हिस्सा है वो उत्तर कोरिया है, बाकी नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ है दक्षिण कोरिया, ठीक है, जो कि समुद्र में है। इसकी जो करेंसी है इसका नाम है बान, ठीक है, आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रह चुके हैं बान की मून, सुना होगा आपने नाम बान की मून, वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की करेंसी का नाम भी वान है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव रह चुके हैं बान की मून, तो वान जो है वहाँ की करेंसी है, वहाँ की मुद्रा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बान। इसके बाद हम बात करेंगे इसराइल, इसराइल की जो करेंसी है वो है, इसराइल की करेंसी का नाम है, इसराइल में करेंसी चलती है शेकेल, क्या शेकेल, न्यू शेकेल, क्या नाम है न्यू शेकेल। इसके बाद यूएई, ठीक है, इसका आपने नाम सुना होगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है,
संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई की जो मुद्रा है उसका नाम है, यूएई की मुद्रा का नाम क्या है, इसकी मुद्रा है दिरहम, ठीक है, दिरहम। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। कीनिया, कीनिया की मुद्रा का नाम है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है, कीनिया की मुद्रा का नाम है सी सीलिंग, ठीक है, क्या है, सी सीलिंग, ठीक है। इसके बाद स्वीडन, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, तीनों देशों की जो मुद्राएं हैं वो सेम है, आपको एक साथ रखना है, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पास पास में ही है, ये सीमा साझा करते हैं तीनों देश, ठीक है, इनकी मुद्रा सेम है, इनकी मुद्रा का नाम है क्रोना, ठीक है, क्रोना। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको फाइनली कंप्लीट करना है, पूरा याद रखना है, ठीक है, थैंक यू।